हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपा और आप सभी को मेरा न्यू वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मटन। तो वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी आज की रेसिपी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने के लिए रेसिपी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने 500 ग्राम मटन लिया। मटन को अच्छी तरह से धो लिए हैं और यहाँ पर देखिए 4 प्याज को इस तरह से काट लिए हैं और टमाटर को भी इस तरह से काट लिए 4 भाग में। और आलू लिए, आलू को भी धो लिए हैं और पहले आलू को फ्राई करेंगे, उसके बाद मसाला तैयार करेंगे मटन की। तो मटन मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर बैठा दिया, प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है। इसमें सरसों तेल दे देते हैं, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम आलू को दे देते हैं। आलू हमारा फ्राई हो चुका है, आलू को निकाल लेते हैं और रेडी करेंगे मसाले को। तो आलू को निकाल लिए, इसमें हम खड़े मसाले को दे देते हैं। तो मसाला लाल हो चुका है, इसमें हम काटे हुए प्याज को दे देते हैं। और कुछ लहसुन को इस तरह से छोड़ा लिए, इसे हम इसमें ऐड दे देते हैं। प्याज के साथ अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का लाल हो चुका है, इसमें हम मटन को दे देते हैं। अब इसमें काटे हुए टमाटर को दे देते हैं। आधा लहसुन का पेस्ट, इसमें 2 कच्चा मिर्चाई को दिए थे, सारी चीजें एक साथ पीस लिए थे। अब इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले को। तो सूखे मसाले में देखिए नमक स्वाद अनुसार, काश्मीरी मिर्चा थोड़ा सा लिया, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो ये सारे चीज़ें भी इसमें ऐड कर देते हैं। मसाले के साथ अच्छी तरह से मटन को भूजेंगे 2-3 मिनट। तो मसाले के साथ देखिए मटन को अच्छी तरह से भून लिए। अब इसमें छोटा पैकेट लिए मीट मसाला का, इसे हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। 500 ग्राम मटन है तो मैंने ज़्यादा नहीं दूंगी, छोटा थोड़ा सा देखिए दे दिए, हाफ से कुछ कम ही दिए। अब इसमें जो फ्राई करके आलू को रखे थे वो आलू को इसमें दे देते हैं। इससे सारी चीज़ें अच्छी तरह से और 1 मिनट के लिए भूज लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मटन को आलू के साथ भी भूज लिए। इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पानी दिए हैं, इसे ढक के 3-4 सीटी मीडियम आंच पर पका लेंगे। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, अब खोल लेते हैं। अब इसमें पीसे हुए गरम मसाला को दे देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है मटन में। अब इसमें हम लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। और ये तो ये हमारा मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा आज का रेसिपी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।